फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉन्ग ब्यूटी। और मैं हूं मनीषा, आपकी दोस्त। मेरे पिछले वाले जो वीडियो था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, सो थैंक यू सो मच गाइज। और आप ही लोगों ने ये मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उसी प्रोडक्ट के साथ, एनीवे मेरा जो पिछले वाला वीडियो था वो मैंने कंप्लीट बिगिनर्स मेकअप किट दिखाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की भी है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर उसको चेक कर लेना और उसके बाद यहाँ पे आके देखना। तो उसी वीडियो से आप लोगों की ये विश थी, ये आप लोगों ने ही मुझसे बोला था कि उसी प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छी सी कोई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो फिर आपकी विश है तो मुझे तो रखना ही है, तो इसीलिए मैंने उसी प्रोडक्ट्स के साथ आज ये इस लुक को क्रिएट करूँगी जो अभी आप देखने वाले हो। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। ये एक चिटचैट वीडियो होने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ बातें करते करते ही मेकअप करूँगी। तो चलिए, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखी हुई है तो आप लोगों को पता ही है मेरी फेस अभी क्लीन है और अभी मैं लगा लूँगी मॉइस्चराइज़र। और मैंने उस वीडियो में दिखाया था ये वाली मॉइस्चराइज़र, ये है निविया सॉफ्ट। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइजेशन दूंगी और सभी चीज़ों का जो इलाबोरेटली जो गुण है, जो बेनिफिट्स है, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको ज़रूर चेक करना। तो मॉइस्चराइज़र अभी मैं अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद मैं लगाती हूँ हमेशा एक लिप बाम। आप अपने मनचाहा कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है प्राइमर की, और मैंने दो ऑप्शन दिखाया था और ये दोनों हैं, वाव का ये एलोवेरा जेल और वेट एंड वाइल्ड का ये मैट प्राइमर। तो मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद मैं एक कलर करेक्टर अप्लाई करूंगी। वैसे ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगर आपके बहुत 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 ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या फिर डार्क पैचेस की प्रॉब्लम है तो आप पहले कलर करेक्ट कर सकते हो एक ऑरेंज कंसीलर के साथ। और इसलिए मैं उस वीडियो में बताया नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक बहुत ही सस्ती, अफोर्डेबल, अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ये है बे का ऑरेंज कंसीलर, और इससे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज नहीं है, बहुत ही अच्छी ऑरेंज है जो कि आपके डार्क सर्कल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिल आउट करती है। तो ये आप थोड़ी सी मैं लगा लूँगी मेरे डार्क सर्कल्स के ऊपर और जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पे। और इसको मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आप ज़रूर देखना उस वीडियो को, तो इससे मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। वैसे आप एक रेड लिपस्टिक से भी ये कर सकते हैं, मेरी उसकी भी वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेरी फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैंने बताया था ये फिट मी फाउंडेशन, और बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। मैं अभी डॉट डॉट करके मैं थोड़ी सी अभी ये लूँगी। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आप ना लगाए अगर आप बिगिनर्स हो तो, बस थोड़ा सा ही फाउंडेशन आपको चाहिए। इसमें कोई भी पंप नहीं है तो आपको अंदाजे से ही लेनी पड़ेगी। तो बस थोड़ा सा ही फाउंडेशन मैं लूंगी और मैं अपने पूरे फेस पे इसको दे दूंगी डॉट डॉट करके। और अभी उसी सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको प्रेस करके, नहीं, डैब डैब प्रोसेस में ब्लेंड कर दूंगी। आप लोग देख ही सकते हो, मैं ऐसे ऐसे प्रेस करके नहीं, डैब डैब करके, आपको ऐसे रगड़ना नहीं है, आपको ऐसे 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 डैब कर देना है और डैब करते जाना है, करते जाना है, और ये अपने आप ही बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, आप देख ही सकते हो। वैसे मेरी वाली जो शेड है वो है 322 वार्म हनी,
ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है मेबेलिन की फाउंडेशन, तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर खरीदूंगी तो 320 लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 320 और 322 ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए। तो ये वाला फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी हम अप्लाई करेंगे एक कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैंने बोला था मेबेलिन फिट मी कंसीलर, और ये मैं यूज करूंगी, अप्लाई करूंगी जहां पे भी मेरा फेस में मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है, यानी कि मेरी आंखों के नीचे मैं थोड़ा सा ही दूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रायंगल करके देते हैं, लेकिन वैसी कोई रूल नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से ही इसको दे सकते हो। वैसे देते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल करके, तो इसका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ओके। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो, आप डॉट करके भी दे सकते हो, आपको देने से मतलब है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई रूल है मेकअप में यही करनी है और यही नहीं करनी है, नहीं, ऐसी कोई रूल नहीं है। तो ये मैं अपने फेस का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे मैं कंसीलर दे दूंगी, और इसको भी उसी सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं ब्लेंड कर दूंगी। और मेरी वाली जो शेड है कंसीलर का वो है 25 मीडियम, बहुत अच्छी कंसीलर है, आप लोग देख ही सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रही है। और इस फाउंडेशन के साथ, फिट मी फाउंडेशन के साथ, ये वाली कंसीलर बहुत अच्छी जाती है और बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। और मेबेलिन का अगर आप फाउंडेशन यूज़ करो तो मेबेलिन फिट मी का कंसीलर भी यूज़ करो, आप मेबेलिन एज रिवाइन भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। तो देखा आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से चुटकियों में ये ब्लेंड हो गई, एंड आई एम डन विथ माई कंसीलर। बनाना पाउडर के लिए मैंने सजेस्ट किया था ये वाली पैलेट, ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट, और इसमें से वो बनाना पाउडर की शेड लेके मैंने जहाँ पे भी कंसीलर लगाई थी वहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगी विथ द हेल्प ऑफ अ पाउडर ब्रश। और ये ब्रश जो है वो है नेकेड 3, अर्बन डिके नेकेड 3 का, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और मैंने ये अमेजोन से लिया था, तो आप ज़रूर देख सकते हो, बहुत अच्छी ब्रश सेट है। तो मैंने कंसीलर को मेरा सेट कर दिया है बनाना पाउडर के साथ, अभी मैं अप्लाई करूंगी मेरे पूरे फेस पे ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कॉम्पैक्ट है, और मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। और मैंने एक फेस पैलेट के बारे में बताया था, वो है ये शुगर का फेस पैलेट, और इसमें से ही ये 3 शेड मैं आज यूज़ करूंगी और अपने पूरे मेकअप को कंप्लीट करूंगी, फेस मेकअप को। तो इसमें से मैं सबसे पहले ये कॉन्टोर वाला शेड जो है उसको लूंगी, और मैंने पूरे वीडियो बना के रखी है कि आप कैसे कॉन्टोर कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप चेक कर लेना, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अब मैं करूंगी अपने नोज़ को कॉन्टोर, और उसके लिए मैं अपने फिंगर का इस्तेमाल करूंगी। सच में गाइस, फिंगर से बहुत ही अच्छी तरीके से नोज़ को कॉन्टोर करा जा सकता है, और बहुत ही अच्छा लगता है नोज़ कॉन्टोरिंग फिंगर से। तो मैं आप सभी को, बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगी कि अपने फिंगर से ही अपने नोज़ को कॉन्टोर करो। उसके बाद मैं ये जो ब्लश है उसको यूज़ करूंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलर है इस ब्लश की, और बहुत पिगमेंटेड भी है। और ब्लशर लगाते वक्त आप स्माइल ज़रूर करना, बहुत ही अच्छी लगती है, और आपका ये जो चीक्स का जो एप्पल है उसमें आपको जस्ट लगाना नहीं है, आपको थोड़ी सी ब्लेंड भी करनी है। आप अगर ऐसे ऐसे थोप के लगा दे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड भी करना पड़ेगा, और तभी ये जो प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट का जो ब्यूटी है वो उभर के आएगी, और आपका मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ब्लेंडिंग इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन मेकअप।
अभी उसी पैलेट से मैं लगा लूंगी हाइलाइटर, और हाइलाइटर आपको अपने अपर पोर्शन आपका जो फेस का है उस पे लगानी है, जैसे कि आप जब हंसते हो तो आपका ये जो पोर्शन है वो उभर के आती है आपके फोटोज में, तो उस एरिया में हमको लगानी पड़ेगी हाइलाइटर। सारे फेस पे हमको नहीं लगानी है, और आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है अपर पोर्शन पे ये लगाना पड़ेगा, और नोज़ के ऊपर ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा नोज़ के टिप में, और ये वाली जो चिन है वो भी अपर पोर्शन ही है। अपने क्यूपिड्स बो पे जो जो भी अपर पोर्शन है फेस का वहीं पे लगाना पड़ेगा, और ये वाली एरिया अपने फोरहेड पे। और उसके बाद मैं करूँगी अपने आई मेकअप को, और मैंने बोला था ये मिस क्लेयर का आई पेंसिल, और इसी से मैं अपना आई ब्रो जो है उसको ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पुली की मदद से कोम कर लेती हूँ नीचे के तरफ, नीचे की तरफ कोम कर लूँगी ताकि मेरी जो आईब्रो है उसका जो लाइन है वो विजिबल हो जाए। मैं उसको ड्रॉ करूँगी, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ड्रॉ करूँगी, ओवर ड्रॉ नहीं करूँगी, और अपने जो नेचुरल लाइन है उसका ही उसको ही फॉलो करूँगी, और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी आईब्रो का, और उसके बाद उसको ही थोड़ा सा डिफाइन कर दूँगी, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। ब्लैक आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, ये आप हमेशा याद रखें। आप एक ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कॉफ़ी इसी तरीके का कोई आईब्रो पेंसिल यूज़ करो तो आपका जो आईब्रोज़ है बहुत ही अच्छी लगेगी और नेचुरल भी लगेगी। तो एज यू गाइस सी के इसको मैं अच्छी तरीके से डिफाइन कर रही हूँ अभी, और उसी स्पूली की मदद से मैं इसको सेम प्लेन कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। तो आईब्रोज आर डन, और आई शेडो के लिए मैंने सिलेक्ट किया था ये वाली पैलेट को, ये है वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द एयर पैलेट, और इसमें से ही मैं ये जो ट्रांजिशन शेड है उसको पहले यूज़ करूँगी, लेकिन उससे भी पहले ये वाली जो शेड है इसका जो कॉम्पैक्ट वाली शेड है उससे मैं अपने पूरे आईलिड को थोड़ा सा और ज़्यादा मैटिफाई कर दूँगी, और इसमें जो है मेरा जो आई शेडो है बहुत ही अच्छी तरीके से पॉप अप करेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाएगी। और अभी ये वाली जो बर्न्ट ऑरेंज शेड है उसको मैं एज माय ट्रांजिशन यूज़ करूँगी, और ट्रांजिशन शेड जो है वो क्रीज लाइन पे यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंडेड होनी चाहिए वो। और एज गाइस सी के मैंने स्टैम्प किया है पहले, और उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ, और ठीक इसी तरीके से आपको ब्लेंड कर देना है ताकि कोई हार्श एजेस ना दिखे। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये वाली शेड, ये है डार्क पर्पल पिंकिश शेड, और मैं एक एवरीडे लुक क्रिएट कर रही हूँ इससे, और मैं इसकी मदद से पूरी आईलिड पे ये वाला शेड अप्लाई कर दूँगी। अब मैं लूँगी एक फ्लैट ब्रश, और इसमें से ही ये जो गोल्डन कलर है, एक्चुअली गोल्डन नहीं शैम्पेन कलर, ब्यूटीफुल सी एक शिमर शेड है, उसको मैं इस फ्लैट ब्रश में लूँगी, और इसको लेके मैं अपने इनर कॉर्नर से शुरू करूँगी देना, और एक हाफ कट क्रीज कर दूँगी विदाउट कंसीलर। आप ऐसे ही अपने आईलिड को कट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी शिमर शेड को लेके आप कट क्रीज कर सकते हो, और अगर आपको कट क्रीज नहीं आती तो आप सिंपली उसको अप्लाई कर दे सकते हो। उसके बाद ये जो डार्क चॉकलेट शेड है उसको लेके मैं अपने आउटर वी एरिया को थोड़े से इंटेंसिफाई कर दूंगी ताकि हमारा जो आई लुक है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आए, और अभी उसी सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मेरी जो क्रीज लाइन है उसको एक बार फिर से मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना दिखे। और ऊपर वाला पार्ट इज डन, और अभी नीचे मैं उसी सेम मैंने जो रस्टिक ऑरेंज शेड को यूज़ किया था
उसको मैं लेके अपने नीचे वाले लैश लाइन पे दे दूंगी और अभी उसी सेम पिंक पर्पल शेड को लेके अपने नीचे वाले लिप पे दे दूंगी। थोड़ा सा अगर फॉल आउट्स हो जाए तो आप एक काम करना, आप उसी पाउडर ब्रश की मदद से इसको डस्ट ऑफ कर देना एंड दैट्स इट। अभी उसी सेम शिमर शेड को लेके मैं अपने इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी। अभी मैं लगा लूंगी स्टे क्वर्की का आईलाइनर जैसे कि मैंने पहले बताया था। अभी बारी आती है काजल की और इसके लिए मैंने रिकमेंड किया था फेसेस का मैग्नेटिक आई काजल पेंसिल। और देख रहे हो आप कितना ज्यादा डार्क ब्लैक है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी कलोसल मस्कारा अप्लाई करूंगी आज और अच्छी तरीके से अपने लैशेस को कोट कर लूंगी। तो आई मेकअप इज डन और अभी मैं लगा लूंगी लिपस्टिक, लेकिन उससे पहले मैं लगा लूंगी लिप लाइनर और उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था हाफ एंड हाफ का लिप लाइनर। और लिपस्टिक के लिए मैंने बोला था मेबलिन क्रीमी मैट और ये वाली जो शेड है ये है सायरन इन स्कारलेट और यही मैं दे दूंगी। उसके बाद मैं लगा लूंगी ब्लू हेवन का ये सिंदूर, ये भी मेरी बहुत ही पसंदीदा एक सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर, और ये बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट है इसीलिए मुझे और भी ज्यादा पसंद आती है। एंड फाइनल स्टेप पे मैंने बोला था ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर और इसको मैं अभी अप्लाई कर दूंगी थोड़ा सा दूर से, थोड़ा सा जैसे कि हम सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से हमको मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज करनी पड़ेगी और इसको हमको सूखने देना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा सा सूख चुका है और अभी आप इसी तरीके से इसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैं उसी सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको डैब 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 प्रोसेस में बिछा दूंगी अपने पूरे फेस पे एंड द मेकअप इज ऑल डन। तो फिर कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट पे डेफिनेटली बताना और मैं ऐसे ही बालों को खुला छोड़ दूंगी और मैं आधे से ज़्यादा वक्त अपने हाथों से ही कोम कर लेती हूँ इसीलिए कोम की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। एनीवे तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और देखा आप लोगों ने कि कैसे मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में एक बहुत ही अच्छी तरीके से कैजुअल मेकअप लुक क्रिएट कर लिया है। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलना, ये आपकी ही रिक्वेस्ट पर मैंने किया है। और प्लीज़ कॉमेंट में भी लिखना कि आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल हुआ या फिर नहीं, और भी कुछ क्वेरीज हो तो भी कमेंट पे डेफिनेटली बताना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब। और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि आप हमारी फैमिली में ज्वाइन कर लो और बगल में वो जो छोटी सी घंटी है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, सारे चीज़ों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो फिर मिलूंगी आपसे मैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।